हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हितेश कारिया और फिर से एक बार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर हितेश कारियास बायोलॉजी इन एसोसिएशन विद पार्थ सर। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम, जहां पे हम हर एक फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप ध्यान देके पढ़ेंगे तो बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, बिल्कुल भी मच नहीं है चैप्टर में। ठीक है, चलिए तो अब तक हम कंप्लीट कर रहे हैं, हमने नॉन कॉर्डेटा सब किंगडम स्टार्ट किया है एंड अंडर दैट वी हैव डन फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम निडेरिया, फाइलम टीनोफोरा। तो फर्स्ट तीन फाइलम हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए आज हम एक अगला इंटरेस्टिंग फाइलम पढ़ेंगे जिस फाइलम का नाम है फाइलम प्लैटी हेल मिन्थस। ठीक है, इसका नाम है फाइलम प्लैटी हेलमिंथस। वेल, क्लास शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, कीप अ नोटबुक एंड पेन विथ यू। एक रफ बुक रखिए, एक पेन रखिए। जैसे जैसे मैं पॉइंट्स लिखते जा रहा हूं, आप सिर्फ उसके कीवर्ड्स, जस्ट खाली कीवर्ड्स को नोट डाउन करते जाइए। बिलीव मी, मैं आपको गारंटी देता हूं आप बायोलॉजी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, जितना आप बायोलॉजी के वर्ड्स लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फाइलम प्लैटी हेलमिंथस। सी, मैंने आपको क्या कहा, जब भी बायोलॉजी में कोई नया वर्ड आए कोशिश करिए उसको बीच में से ब्रेक कर दो, दोनों वर्ड्स को अलग कर दो, दोनों का मीनिंग समझ लो, फिर दोनों को जोड़ दो, अब आप ये वर्ड जिंदगी में नहीं भूलोगे। चलिए, मतलब इस फाइलम में कौन आता है देखिए। If I split the word platyhelminthes, तो platy का मतलब है flat, flat मतलब चपटा, और helminthes का मतलब है worms, worms मतलब कीड़े। मतलब इस फाइलम में एक तो सारे कीड़े हैं, लेकिन कौन से कीड़े? आपको मान लो आपको कॉकरोच दिख गया, या आपको अर्थवर्म दिख गया, आपको मधुमक्खी दिख गई, तो ये भी तो कीड़े हैं, बट दे डोंट कम अंडर फाइलम प्लैटी हेलमिंथस। ओके, देखिए प्लैटी मतलब चपटा, दोनों जगह से ऊपर नीचे से चपटा। तो जितने भी चपटे कीड़े हैं फ्लैट वर्म्स, दे कम अंडर फाइलम प्लैटी हेलमिंथस। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, दिस फाइलम इंक्लूड्स ऑल द फ्लैट वर्म्स। देखिए कितना ईजी हो जाता है, अगर आप इसके नाम को तोड़ दोगे ना तो एक पॉइंट तो आपको यही मिल गया कि दिस फाइलम इंक्लूड्स ऑल फ्लैट वर्म्स। अब फ्लैट कैसे हैं? दे हैव अ डॉर्सो वेंट्रली, अ डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। फ्लैटेंड मतलब चपटी। अब व्हाट डू मीन बाय डॉर्सो वेंट्रली? देखिए अगर ये कीड़ा है, अब कीड़ा तो ऐसे ही होगा ना जमीन पर, कीड़ा ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे होगा तो कीड़े की ऊपर की साइड को हम कहते हैं वेंट्रल साइड, सॉरी डॉर्सल साइड। ऊपर की साइड को कहेंगे डॉर्सल साइड और नीचे की साइड को कहेंगे वेंट्रल साइड। तो ये कीड़ा डॉर्सल और वेंट्रल दोनों साइड से चपटा है। इट इज फ्लैट फ्रॉम बोथ द साइड्स, ऊपर से भी चपटा, नीचे से भी चपटा। सो वी कॉल देम डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेन। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इस कीड़े का हैबिटैट। हैबिटैट मतलब ये कहां पाया जाता है। ओके, तो ये कीड़े फ्री लिविंग भी होते हैं। फ्री लिविंग मतलब ये बाहर पाए जाते, किसी की बॉडी के बाहर। अब बाहर मतलब कहां? पानी में। ये जनरली जो फ्री लिविंग फॉर्म्स हैं दे आर फाउंड इन वॉटर। इज दैट क्लियर? एंड मोस्ट ऑफ देम आर एंडोपैरासाइट्स, मोस्ट ऑफ देम आर एंडोपैरासाइट्स। अब पहले आप पैरासाइट वर्ड का मीनिंग समझिए। जो कीड़े दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर रहते हैं और उनकी बॉडी का न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं पैरासाइट्स। मतलब ये दूसरों की बॉडी में से अपना खाना लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से, तो उनको कहते हैं पैरासाइट्स। अब जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, पैरासाइट्स दो प्रकार के होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट्स। ठीक है, अब एंडो वर्ड किससे मैच कर रहा है? एंडो वर्ड इनसाइड से मैच कर रहा है, एंडो इनसाइड,
तो ये ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर रहेंगे, अंदर, तो इन्हें हम कहते हैं एंडोपैरासाइट्स। अब एक्टो मतलब क्या, बॉडी के बाहर नहीं, बॉडी के ऊपर, बाहर पर बॉडी के ऊपर चिपके हुए। आपको एक एग्जांपल दूं, आपको पता है कुछ लोगों को बालों में जूएं हो जाती हैं, अब वो जू आपके सर के ऊपर आपके स्काल्प पे रह रही है और वहां से आपका खून चूस रही है, आपका न्यूट्रिशन ले रही है, तो वो कहां है, बॉडी के अंदर है कि ऊपर है, ऊपर है। तो लाइस, हेड लाइस मतलब जू, इट्स अ एक्टोपैरासाइट, पर दिस आर एंडोपैरासाइट्स। ये हमारे, ये इंसानों के इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं। इज दैट क्लियर? अब पाए जाते हैं मतलब सभी इंसानों के नहीं, जिनको इंफेक्शन होता है उनके अंदर, जो साफ सफाई नहीं रखते उनके इंटेस्टाइन के अंदर। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? सो सम ऑफ देम आर फ्री लिविंग। जैसे अगर मैं फ्री लिविंग का एग्जाम्पल दूं तो एक फ्लैट वर्म है जिसका नाम है प्लानेरिया। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या नाम है? प्लानेरिया। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये बिल्कुल छोटा चपटा पत्ते की तरह दिखता है, बहुत छोटा, हार्डली 1 सेंटीमीटर का इसकी साइज होती है। तो ये फ्री लिविंग है, ये पानी में मिलता है। और अगर मैं एक एंडोपैरासाइट की बात करूं तो टेप वर्म नाम का जो प्लैटीहेलमिंथस है, ये जो फ्लैट वर्म है वो इंसानों के इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है, राइट? तो आपको दोनों फॉर्म्स देखने मिलेंगे। सो सम ऑफ देम आर फ्री लिविंग एंड सम ऑफ देम आर एंडोपैरासाइट्स। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? अब देखिए, मैंने आपको बताया प्लानेरिया के बारे में, ये प्लानेरिया पानी में रहता है, लेकिन ये कोई कोई ब्रह्मचारी नहीं है, ये भी बहुत बहुत बेकार किस्म का कीड़ा है। सो प्लानेरिया इज अ कार्निवोर। तो ये छोटे छोटे जीवों को पकड़ पकड़ कर या किसी और बड़े जानवर के को चिपक कर उसके मांस को खाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो दो इट इज अ फ्री लिविंग फॉर्म बट इट्स अ कार्निवोर, वेर एज टेपवर्म इज फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस, सो इट्स एन एंडोपैरासाइट। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। अब हमें, हम कुछ जनरल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। अगर हम इनकी जर्म लेयर्स की बात करें तो अब मुझे बताइए, पॉरीफेरा में था डिप्लोब्लास्टिक, निडेरिया भी डिप्लोब्लास्टिक थे, टीनोफोरा भी डिप्लोब्लास्टिक थे, आपका क्या ख्याल है अबाउट प्लैटीहेलमिंथस, कितने जर्म लेयर्स होंगे? सोचिए सोचिए सोचिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ओके, वन इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट दिस इज द फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइलम, दिस इज द फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइलम। मतलब एनिमल किंगडम में तीन जर्म लेयर्स की शुरुआत प्लैटीहेलमिंथस से शुरू हुई, ओके? मतलब इनकी बॉडी इज डिराइव्ड फ्रॉम थ्री जर्म लेयर्स, द एक्टोडर्म, द मीजोडर्म एंड द एंडोडर्म। सो एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम प्लैटीहेलमिंथस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। देन अगर हम सीलोम की बात करें तो अभी तक कोई बॉडी कैविटी नहीं बनी उस मामले में, ये अभी भी प्रिमिटिव है। सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर ए सीलोमेट, ए का मतलब एब्सेंट, जैसा कि मैंने बताया देर इज नो बॉडी कैविटी। थर्ड, अगर मैं इनके बॉडी प्लान की बात करूं, ओके, बॉडी प्लान का मतलब होता है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल, तो इनके अंदर भी ब्लाइंड सैक फॉर्म ऑफ एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है, ओके? सी, अगर मैं आपको प्लानेरिया का डायग्राम देख के बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा, लेट मी जस्ट पिक अप सम कलर्स, ओके, लिसन वेरी केयरफुली। देखिए ये प्लानेरिया ना, ये कुछ ऐसा दिखता है, ये ऐसे छोटे पत्ते जैसा दिखता है, ओके? मेरे ख्याल से आपने 10th में प्लानेरिया के बारे में पढ़ा होगा, ध्यान से सुनिए, कुछ इंटरेस्टिंग बातें बता रहा हूं प्लानेरिया के बारे में। अब प्लानेरिया के इस एरिया को देख के आपको लगता होगा कि ये हेड है, ठीक है, ये हेड है, बट दिस इज नॉट अ कंप्लीट हेड। तो प्लैटीहेलमिंथस ग्रुप से हेड फॉर्मेशन की शुरुआत हुई। क्यों शुरुआत हुई? सी, निडेरिया पानी में था, पॉरीफेरा पानी में था, टीनोफोरा पानी में था। अब ये एनिमल्स पानी में से लैंड पे आए, अब यहां से टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स शुरू हुए, ओके? दे आर फाउंड इन लैंड, दे आर फाउंड ऑन द लैंड ऑल्सो। तो अब मुझे बताइए, अगर आप एक एनवायरमेंट में से अगले एनवायरमेंट में जाएंगे पहली बार,
तो आपके पास सेंस ऑर्गन्स होने चाहिए ना, जिससे आप पता कर सके कि आजू बाजू में क्या है। तो प्लानेरिया के केस में इसके सारे सेंस ऑर्गन्स इस एरिया में एक्यूमुलेटेड हैं, सारे सेंस ऑर्गन्स इस एरिया में एक्यूमुलेटेड होते हैं, द सेंसरी सेल्स। ओके, तो ये हेड नहीं है, हेड जैसा स्ट्रक्चर है और हेड फॉर्मेशन की शुरुआत यहां से शुरू हुई। तो हेड फॉर्मेशन को हम कहते हैं सिफेलाइजेशन। सिफेल का मतलब होता है हेड। ओके, तो इन एनिमल किंगडम हेड फॉर्मेशन स्टार्टेड फ्रॉम द फाइलम प्लैटीहेलमिंथस। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? अच्छा, फिर आपने और एक चीज देखा होगा। ओके, लेट मी जस्ट रिमूव दिस सो आई कैन एक्सप्लेन यू इजीली। ओके, देखिए, आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि इसके पास ऐसे दो आंख जैसी स्ट्रक्चर होती है। यू रिमेंबर 10th स्टैंडर्ड चपटा कीड़ा। अब आपको लगता है ये इसकी आंख है, ये आंख नहीं है, दीज आर आई स्पॉट्स। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आई एंड आई स्पॉट्स? सी, आई से आपको बहुत क्लियर विजन मिलती है, आपको सब कुछ क्लियर दिखाई देता है, आप कलर्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसा कि मैंने कहा, यहां पर हेड फॉर्मेशन शुरुआत हुई है, सेंसरी ऑर्गन्स जस्ट डेवलप होना शुरू कर रहे हैं। तो ये आई स्पॉट्स की मदद से ना, इसको सिर्फ लाइट एंड डार्क का फर्क पता चलता है, ये चीजों को देख नहीं सकता, ना ही ये कलर्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। इसे सिर्फ ये पता चलता है कि अभी ये लाइट है, ये डार्क है। इट कैन जस्ट आइडेंटिफाई बिटवीन लाइट एंड डार्क। आई होप दिस इज क्लियर। सो इसको आईज नहीं बोलते, इसे हम आई स्पॉट्स कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट सुनिए। ओके, अब यहां पर हेड है तो आपको लगता होगा इसका माउथ भी कहीं ऊपर है, पर ऐसा नहीं है। देखिए, ये पॉइंट आपके महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया, पर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, तो थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जानने में कोई हर्ज नहीं है, है ना? ये देखिए यहां पर। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। मान लीजिए ये इसका अपर पार्ट है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस प्लानेरिया को उल्टा कर रहा हूं। ये ऐसे सीधा जमीन पे पड़ा है ना, मैं उसको उल्टा कर रहा हूं, मतलब मैं उसकी डॉर्सल साइड को, उसकी वेंट्रल साइड को ऊपर कर रहा हूं। तो अगर मैं इस कीड़े को उल्टा कर दूं तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। सी, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये देखिए, ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसका जो माउथ है ना, वो सरप्राइजिंगली यहां पर प्रेजेंट है। दिस इज द माउथ। तो यहां पर माउथ ना होकर नीचे की तरफ माउथ है, और ये हो गया इसका एलिमेंट्री कैनाल घूमकर फिर से यहीं पर आ रही है। सो इट्स अ ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल। सो इट हैज ओनली वन ओपनिंग विच फंक्शंस एज द माउथ ऑल्सो एंड विच फंक्शंस एज द एनस ऑल्सो। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, अभी तक हमने क्या कहा कि इन द फाइलम प्लैटीहेलमिंथस इंक्लूड्स ऑल फ्लैट वर्म्स। फ्लैट का मतलब होता है चपटे। एंड कैसे चपटे होते हैं? दे आर फ्लैट फ्रॉम द डॉर्सल साइड ऑल्सो, फ्रॉम द वेंट्रल साइड ऑल्सो। ऊपर वाली साइड डॉर्सल, नीचे वाली साइड वेंट्रल। सो दे आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। हैबिटेट, सम ऑफ देम आर फ्री लिविंग, एग्जाम्पल प्लानेरिया जो पानी में पाया जाता है। सम ऑफ देम आर एंडो पैरासाइट्स, दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर रहकर अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, एग्जाम्पल टेपवर्म। अगर हम जर्म लेयर्स की बात करें तो दिस इज द फर्स्ट फाइलम जिसके पास तीन जर्म लेयर्स हैं। सो वी से दिस इज द फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइलम, राइट? अगर हम सीलोम की बात करें, देयर इज नो बॉडी कैविटी, दे आर ए सीलोमेट। बॉडी प्लान इज ब्लाइंड सैक, यहां पर इसका माउथ है। अगर मैं इसको उल्टा करूं तो यहां पर माउथ है, एंड दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल विच हैज ओनली वन ओपनिंग। सो दैट इज कॉल्ड एज अ ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ द बॉडी प्लान, राइट? एंड दिस इज द फर्स्ट फाइलम जहां पर हेड फॉर्मेशन की शुरुआत हुई। हेड नहीं है, सारे सेंस ऑर्गन्स बस एक जगह पर आकर जमा होते हैं नियर द हेड पोर्शन, ताकि आसपास के एनवायरमेंट के बारे में सेंस किया जा सके, पता लगाया जा सके।
तो हेड फॉर्मेशन की शुरुआत हो रही है, इस प्रोसेस को कहते हैं सिफिलाइजेशन। सिफिलाइजेशन का मतलब है हेड फॉर्मेशन। इनके पास आई, प्लानेरिया के पास आई नहीं होती, आई स्पॉट्स होते हैं जिसकी मदद से वो सिर्फ लाइट एंड डार्क के बारे में डिफरेंस पता लगा सकता है। चलिए इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, सो दैट आई विल टेक यू टू मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, लेट्स गो टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, ओके उसके पहले अब अगर हम सिमेट्री की बात करें, अब अगर हम सिमेट्री की बात करें, चलिए मुझे बताइए पॉरीफेरा में कौन सी सिमेट्री थी? उनका बॉडी तो बहुत इररेगुलर शेप था, तो कभी कोई सिमेट्री होगी? बिल्कुल नहीं। यू आर राइट, पॉरीफेरा आर एसिमेट्रिकल। देन निडेरिया में सिमेट्री स्टार्ट हुई, कौन सी सिमेट्री थी? रेडियल। टीनोफोरा में कौन सी थी? रेडियल। नाउ व्हाट अबाउट प्लैटीहेल्मिंथस? अब आप देखिए ये फ्लैट वर्म्स हैं, ये फ्लैट वर्म्स हैं, तो कौन सी सिमेट्री मिलेगी? सोचिए, वेरी गुड। सो दिस इज द फर्स्ट फाइलम, अगेन द फर्स्ट फाइलम विथ बायलैटरल सिमेट्री। ओके, तो यहां पर बायलैटरल सिमेट्री की शुरुआत हुई। अब आगे भी रेडियल आएगी, बट यहां पर बायलैटरल आ गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो फर्स्ट एनिमल्स टू हैव बायलैटरल सिमेट्री। देन अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, देखिए अब मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहता हूं। पहले ये सुनिए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पॉरीफेरा में सेल्यूलर लेवल था, निडेरिया में टिश्यू लेवल था, टीनोफोरा में भी टिश्यू लेवल था। अब ये पहला फाइलम है, पहला फाइलम है, यहां पर भी फर्स्ट टाइम यू विल सी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यहां पर कुछ ऑर्गन्स बनना शुरू हुए। तो अब मुझे बात बताइए, अगर आप प्लैटीहेल्मिंथस को निडेरिया और टीनोफोरा के साथ कंपेयर करें, तो आपने देखा इसमें अब कई सारी ऐसी नई प्रॉपर्टीज हैं जो इनमें नहीं थी। तो क्या हम इसे हायर फाइलम मान सकते हैं कंपेयर टू निडेरिया एंड टीनोफोरा? डेफिनेटली, क्योंकि अब ये इवॉल्व हो रहा है, राइट? सो देखिए, सिमेट्री, फर्स्ट टाइम बायलैटरल सिमेट्री आ गई, फर्स्ट टाइम यहां पर ऑर्गन लेवल आया। अगर हम जर्म लेयर्स की बात करें तो फर्स्ट टाइम ये ट्रिप्लोब्लास्टिक बने, तीन जर्म लेयर्स आए इन लोगों में। कुछ फीचर्स अभी भी पुराने हैं, बट काफी सारे फीचर्स नए भी हैं, राइट? सो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अब मुझे आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताना है जो आपके महाराष्ट्र बुक में नहीं है, ये शायद से नीट में भी ना पूछा जाए, लेकिन मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, बायोलॉजी को हमेशा जस्टिस दिया करो। अगर बायोलॉजी को पढ़ो तो पूरे पूरे शिद्दत से पढ़ो, थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ो। अब आपको ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑल्सो, बट इंपॉर्टेंट फ्रॉम नॉलेज पॉइंट। ठीक है, ध्यान से सुनिए। सी, अंडर प्लैटीहेल्मिंथस देर आर थ्री क्लासेस, मतलब इसके अंदर भी तीन सब ग्रुप्स है। क्लास का, सी फाइलम के अंडर जो ग्रुप आता है उसको क्लासेस कहते हैं। ठीक है, द फर्स्ट क्लास इज कॉल्ड एज, द फर्स्ट क्लास इज कॉल्ड एज टर्बिलेरिया, द फर्स्ट क्लास इज टर्बिलेरिया, द सेकेंड क्लास इज ट्रिमैटोडा, इट इज कॉल्ड ट्रिमैटोडा, एंड द थर्ड क्लास इज कॉल्ड सेस्टोडा। सो देर आर थ्री क्लासेस अंडर प्लैटीहेल्मिंथस, टर्बिलेरिया, ट्रिमैटोडा, सेस्टोडा। अब देखिए इसमें जो प्लैनेरिया है, प्लैनेरिया, इट कम्स अंडर टर्बिलेरिया क्लास, एंड प्लैनेरिया इज फाउंड इन वॉटर, इट इज नॉट एन एंडोपैरासाइट, एंड वॉटर में भी इट इज फाउंड इन फ्रेश वॉटर। ठीक है, इट इज फाउंड इन फ्रेश वॉटर। अगर हम ट्रिमैटोडा की बात करें
तो इसमें एग्जाम्पल आएगा लीवर फ्लूक, ये भी आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, याद करिए लीवर फ्लूक, ओके। एंड टेप वर्म कम्स अंडर क्लास सेस्टोडा, राइट। अब मैंने क्यों बताया, क्योंकि प्लानेरिया विच बिलोंग्स टू क्लास टर्बिलेरिया इज अ फ्रेश वॉटर प्लैटीहेलमिंथ, बट लीवर फ्लूक एंड टेप वर्म बोथ आर एंडो पैरासाइट्स, दे आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। आई होप दिस इज क्लियर। सो सिमेट्री, द फर्स्ट एनिमल्स टू हैव बायलैटरल सिमेट्री, द फर्स्ट एनिमल्स टू हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देर आर थ्री क्लासेस अंडर प्लैटीहेलमिंथस, टर्बेलेरिया, ट्रिमाटोडा, सेस्टोडा। टर्बेलेरिया में आएगा प्लानेरिया विच इज अ फ्रेश वॉटर प्लैटीहेलमिंथ, ट्रिमाटोडा में लिवर फ्लूक, सेस्टोडा में टेपवर्म। दीज टू आर एंडो पैरासाइट्स, दे आर फाउंड लिविंग इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। चलिए अब हम पहले बात करते हैं, अब आपके यहां पर दो ऑर्गेनिजम्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द नीट पॉइंट। एक है प्लानेरिया और एक है टेपवर्म, ओके। इन्हें हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए शुरुआत करें, ओके। बच्चों अगर हम प्लानेरिया की बात करें, ओके, अगर हम प्लानेरिया की बात करें तो ये एक एक्वेटिक एनिमल है, और एक्वेटिक में भी इट इज फाउंड इन फ्रेश वाटर, ठीक है, ये आपको तालाब में नदियों में मिल जाएगा। सेकंड, इट इज कार्निवोरस, ये वेजिटेरियन नहीं है, सिंपली ये नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है। देन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने 10th में भी पढ़ा था, इट हैज अ वेरी हाई कैपेसिटी, अ वेरी हाई कैपेसिटी फॉर रीजनरेशन। इनफैक्ट यू नो पूरे एनिमल किंगडम में इतनी हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन किसी के पास नहीं है जितनी प्लानेरिया के पास है। तो आपको ये कहते हैं ना, नीट में पूछा जा सकता है, विच इज द एनिमल विद मोस्ट हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी, द आंसर इज प्लानेरिया। आई होप दिस इज क्लियर, एब्सोल्यूटली। अब ये जो है ये रिप्रोडक्शन, इट कैन परफॉर्म रिप्रोडक्शन बाय बोथ द वे, दैट इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है पता है, ये देखिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। मान लीजिए ये एक प्लानेरिया है, ये इसकी बॉडी है, ओके। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, ये यहां से इस तरीके से ये एनलार्ज होने लग जाएगा, ये ऐसे एनलार्ज होने लग जाएगा, एंड अल्टीमेटली टूटकर, ये अल्टीमेटली टूटकर ऐसे दो प्लानेरिया बनाने लग जाएगा। ये देखिए इस तरह कैसे, ये ऐसे दो प्लानेरिया बनाने लग जाएगा, ओके। मुझे बताइए आपने 10th में पढ़ा था, व्हाट इज दिस मेथड कॉल्ड, फ्रॉम वन यू आर गेटिंग टू, दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिशन, वेरी गुड। सो अंडर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लानेरिया रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिशन, आई होप दिस इज क्लियर। और अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स, एंड लेट मी टेल यू दैट प्लानेरिया इज अ हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट मतलब बोथ द मेल एंड फीमेल गैमिट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द सेम बॉडी, आई होप दिस इज क्लियर। तो बस हमें इतना ही इंफॉर्मेशन जानना है प्लानेरिया के बारे में। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन विल गो टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज टेपवर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। Now, this is something very important. I want you to understand tapeworm with lot of concentration. ठीक है? Very nicely. अब इसको tapeworm क्यों कहते हैं पता है? Tape word कहां से आया? आपको पता है दर्जी लोगों के पास, tailors के पास एक measuring tape होती है. Even जो हमारे घर में मिस्त्री वगैरह काम के लिए आते हैं, उनके पास एक पतली tape होती है. इतने चपटे होते हैं, बिल्कुल tape की तरह. इसलिए उनको नाम मिला टेप वर्म, एंड दैट इज वाई दे कम अंडर प्लैटीहेलमिंथस, प्लैटीहेलमिंथस का मतलब ही है फ्लैट वर्म्स, ठीक है। चलिए अब पहला क्वेश्चन आया, मैंने आपको बोला कि टेप वर्म इज एन एंडो पैरासाइट इन ह्यूमंस,
तो क्या दुनिया के हर ह्यूमन के इंटेस्टाइन में टेपवर्म होता है? नहीं, फिर से बता रहा हूं, नहीं। जिनको टेपवर्म का इंफेक्शन हुआ हो उन्हीं लोगों के इंटेस्टाइन में यह पाया जाएगा, जो साफ सफाई नहीं रखते उनके इंटेस्टाइन में यह पाया जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं टेपवर्म के बारे में। अगर किसी इंसान को टेपवर्म का इंफेक्शन हो गया, कैसे होगा इंफेक्शन वो भी मैं बताता हूं। अगर किसी इंसान को टेपवर्म का इंफेक्शन हो गया तो इन वन ह्यूमन देयर विल बी ओनली वन टेपवर्म। ठीक है, देयर विल बी ओनली वन टेपवर्म। ये दूसरे टेपवर्म को अपने अंदर रहने नहीं देता है, एकदम लंबा सा पतला टेप जैसा आपके इंटेस्टाइन को चिपक कर खड़ा रहेगा, ये बैठा रहेगा। ठीक है, तो इन वन ह्यूमन देयर इज ओनली वन टेपवर्म। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? दूसरी बात आपको बताएं, टेपवर्म डज नॉट हैव एन इंटेस्टाइन, इसको इंटेस्टाइन की जरूरत ही नहीं है। बताओ क्यों? मान लो ये आपकी इंटेस्टाइन है, ये आपके इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। ठीक है, तो ये जो टेपवर्म है ना ये आपकी इंटेस्टाइन को ऐसे चिपक के पड़ा रहेगा, तो इसके पास इंटेस्टाइन नहीं है। बताओ क्यों? इंटेस्टाइन हमें क्यों चाहिए? डाइजेशन के लिए। भाई ये तुम्हारे इंटेस्टाइन के अंदर से रेडीमेड डाइजेस्टेड फूड को स्टील कर रहा है, इट इज स्टीलिंग द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द होस्ट, तो उसको डाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, तो इट डज नॉट हैव एन इंटेस्टाइन। आई होप दिस इज क्लियर। सो इट स्टील्स डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द होस्ट। होस्ट किसको कहते हैं? जिसकी बॉडी में कोई ऑर्गेनिज्म रहता है उसे कहा जाता है होस्ट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। राइट, अब आपको अगर मैं इसका हेड दिखा दूं, इसका हेड पार्ट दिखा दूं, तो देखिए कुछ स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसका जो डायग्राम है इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। ओके, ये ऐसा है हेड रीजन। ओके, एंड ये ऐसा लंबा पड़ा है आपके इंटेस्टाइन के अंदर। अब ध्यान से देखिए, इस पोर्शन को देखकर आपको लगेगा दिस इज द हेड, पर इसे हेड नहीं कहते, इस पोर्शन को कहते हैं स्कोलेक्स। इट इज नॉट द हेड, इट इज कॉल्ड एज द स्कोलेक्स। फिर ये बीच की जो गर्दन वाली जगह है इसे कहेंगे नेक, इसे कहेंगे नेक, और ये जो पूरा पोर्शन है इसे कहेंगे स्ट्रोबिलिया। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इफ यू हैव अ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द टेपवर्म, दिस इज द हेड पार्ट व्हिच इज एक्चुअली नॉट द हेड, इट इज कॉल्ड एज द स्कोलेक्स, द नेक एंड द स्ट्रोबिलिया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेंट्रेट, जस्ट हैव अ लुक एट द स्कोलेक्स रीजन। ओके, अब इसके स्कोलेक्स रीजन पे ऊपर यहां पर एक स्ट्रक्चर है, दिस इज नॉट द माउथ। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द रोस्टेलम, दिस इज कॉल्ड एज द रोस्टेलम। देन रोस्टेलम के नीचे, ओके, रोस्टेलम के नीचे ये होंगे हुक्स, इनको कहते हैं हुक्स, और हुक्स के नीचे जस्ट बिलो द हुक्स यू विल हैव दिस राउंड स्ट्रक्चर्स। Now these are called as the suckers. देखिए इसके स्कोलेक्स पे तीन स्ट्रक्चर है, ये ऊपर वाला रोस्टेलम, उसके नीचे ये हुक्स और उसके नीचे suckers. अब इनका क्या नीड है? ओके, मेरे प्यारे बच्चों, विद द हेल्प ऑफ द रोस्टेलम, द हुक्स एंड द suckers, इट विल अटैच itself टू द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। आप समझ रहे हो, ये अपने रोस्टेलम, हुक्स और सकर्स की मदद से इंटेस्टिनल वॉल को पकड़ के रखता है ताकि पॉटी में से ये पूरा वर्म बाहर ना निकल जाए। बिकॉज सी, आपको पता है हमारे इंटेस्टाइन में पेरिस्टाइलिस मोशन होता है जिसके वजह से फूड को आगे धक्का मारा जाता है, तो पेरिस्टाइलिस से ये वर्म्स भी निकल जाएगा, ये वर्म भी बाहर निकल जाएगा। तो ये अपने आप को चिपका के रखने के लिए इट अटैचेस इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ द, तो अगर आपको पूछा जाए What is rostellum, hooks and suckers? These are just the organs for attachment to the intestinal wall. You know, sucker क्या होता है?
जैसे हम लोग पता है बचपन में वो डार्ट वाली बंदूक खेलते थे, जुप करके छोड़ते थे तो दीवार को पचक करके चिपक जाता था, वैक्यूम बन जाता था। जस्ट लाइक दैट इसके सकर से वो एक वैक्यूम मैकेनिज्म से इंटेस्टिनल वॉल पे चिपका लेता है अपने आप को। आई होप दिस इज क्लियर। राइट, अब आई एम श्योर आप लोगों के मन में एक सवाल आया होगा, सर ये हमारे इंटेस्टाइन में आता कैसे? थोड़ा क्रिंज है बट सिंस यू वॉन्ट टू नो आई टेल यू एंड आई एम अ डॉक्टर तो मेरा फर्ज बनता है आपको बताना। ध्यान से सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मान लीजिए एक इंसान के इंटेस्टाइन में ये वर्म है। ओके, तो इसके अंडे, इस वर्म के अंडे हमारे पूप में बाहर निकलते हैं। व्हाट इज पूप? आपकी पॉटी। ठीक है, मान लीजिए ये पॉटी है। ठीक है, तो इस पॉटी के अंदर, इस पॉटी के अंदर इसके अंडे होंगे, इसके एग्स होंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि गांव में जहां आज भी जैसे काफी एरियाज है जहां पर टॉयलेट नहीं है तो लोग खुले में कहीं भी शौच कर देते हैं, टॉयलेट करते हैं, है ना। ये बड़ा हमारे भारत का दुर्भाग्य है, इतना सरकार हमें शौचालय बना के दे रही है, इतना हमें स्कूल में सिखाया जाता है अबाउट पर्सनल हाइजीन, बट देयर आर सम पीपल जिनको खुले आसमान के नीचे मजा आता है पॉटी करने में, है ना, लोटा लेके बैठ जाते हैं कहीं भी। तो अंडे होंगे, जिसको इंफेक्शन है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, सबके पूप में नहीं होता। अब आपको बताएं गंदी जगहों पर जहां पर पूप होता है वहां पर आपको एक जानवर मिलेगा, दैट इज पिग, सुअर, है ना। अब होता क्या है, और ये पिग ये पूप को खाता है, सॉरी टू से दिस बट दैट्स हाउ इट इज, वो ये पॉटी को खाता है। तो ये पॉटी उसके इंटेस्टाइन में जाएगी, ये अंडे उसके इंटेस्टाइन में जाएंगे, और उसके इंटेस्टाइन से निकलकर ये अंडे उनके मसल्स में चले जाते हैं, पिग के मसल्स में चले जाते हैं, और वहां पर वो लार्वे हैच करते हैं। अब यू नो देयर आर मेनी ह्यूमंस हु ईट पिग, तो जो लोग पिग्स खाते हैं, पिग का मांस खाते हैं, सुअर का मांस खाते हैं, स्पेशली अगर वो मांस ठीक तरह से पकाया नहीं गया हो, इट इज नॉट प्रॉपरली कुक्ड, तो व्हेन अ पर्सन ईट्स दैट मांस, द मसल ऑफ द पिग, तो ये अंडे उसके इंटेस्टाइन में जाएंगे, वहां पर ये हैच होगा एंड फिर से इसका लाइफ साइकिल स्टार्ट होगा। फिर जब ये पूप करेगा उसके पूप में फिर से अंडे निकलेंगे। इस तरह से दिस इज अ साइकिल हाउ इट इन्फेक्ट्स ह्यूमन। तो एक्चुअली टेपवर्म एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके दो होस्ट हैं। सो इट हैज अ प्राइमरी होस्ट एंड इट हैज अ सेकेंडरी होस्ट। तो प्राइमरी होस्ट है ह्यूमन, प्राइमरी होस्ट उसको बोलते हैं जिसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, अंडे देता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी होस्ट, और सेकेंडरी होस्ट है इसका पिग। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? सो वी गेट दिस बाय ईटिंग द मीट ऑफ पिग्स। ओके, यू जनरली गेट टेपवर्म इन्फेक्शन। आई होप दिस इज क्लियर, एब्सोल्यूटली। अच्छा, एक पॉइंट मुझे बताना है इन केस ऑफ प्लैटी हेलमिंथस, लेट मी जस्ट इरेज दिस एंड राइट हियर। इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप नहीं है, लेकिन फॉर एक्सक्रीशन दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जिन्हें कहते हैं फ्लेम सेल्स। ओके, सो दे हैव स्पेशल सेल्स फॉर एक्सक्रीशन, जिससे वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकालते हैं, उन्हें कहते हैं फ्लेम सेल्स। द अदर नेम फॉर फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोनेफ्रीडिया। ओके, फ्लेम सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटोनेफ्रीडिया। अब इन्हें फ्लेम सेल्स क्यों कहते हैं, देखिए मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूं, वाई आर दे कॉल्ड फ्लेम सेल्स, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, देखिए ये सेल कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा कुछ सूडोपोडिया जैसा होता है उसके पास। ओके, और अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है एंड दिस इज द न्यूक्लियस, और इसके अंदर ना सीलिया होते हैं, सीलिया। तो जब आप इसको माइक्रोस्कोप में दिखते हो ना, तो सीलिया से आग की लपटों की तरह दिखते हैं, ऐसे लग रहा है जैसे आग की लपटें हिल रही हैं। ये सीलिया ऐसे हिलते रहते हैं तो आग के लपटों की तरह दिखते हैं, एंड दैट इज वाई, और आग मतलब फ्लेम, तो दैट इज वाई दे गॉट द नेम फ्लेम सेल्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटोनेफ्रीडिया। तो हमें नीट में पूछा जा सकता है कि फ्लेम सेल्स और प्रोटोनेफ्रीडिया फॉर एक्सक्रीशन इज फाउंड इन विच फाइलम, द आंसर इज प्लैटी हेलमिंथस। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट फाइलम की तरफ बढ़ते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। ये भी वर्म्स हैं, कीड़े हैं,
पर ये फ्लैट वर्म्स नहीं है, ये अलग प्रकार के कीड़े हैं, और इस फाइलम का नाम है फाइलम एस्कलमिंथस। ठीक है, चलिए अब फिर से मेरी रिक्वेस्ट, जब भी आप बायो का वीडियो सुनने बैठें, अपने साथ एक नोटबुक और पेन रखें, और जो भी कीवर्ड्स मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं आप भी मेरे साथ साथ वो लिखते जाइए, तो आपकी प्रैक्टिस यहीं घर बैठे बैठे हो जाएगी। आपको अलग से, यू डोंट हैव टू रैक योर ब्रेन्स, यू नो, जस्ट बिफोर द एग्जाम अगर आप उसको रिवाइज कर लेंगे तो आपका लर्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं फाइलम एस्कलमिंथस। अब सी, जब हमने प्लैटी हेलमिंथस को स्प्लिट किया था तो हमने कहा था प्लैटी मतलब फ्लैट एंड हेलमिंथस मतलब वर्म्स। तो यहां पर एस्क का मतलब है राउंड और हेलमिंथस का मतलब है वर्म्स। फाइलम एस्कलमिंथस इंक्लूड्स ऑल द राउंड वर्म्स। अच्छा, बाय द वे, फाइलम एस्कलमिंथस इज ऑल्सो कॉल्ड एज निमैट हेलमिंथस। इसी को निमैट हेलमिंथस कहते हैं। अब निमैट का मतलब होता है थ्रेड। तो कुछ वर्म्स ना शेप में राउंड ही हैं, पर बहुत पतले धागे की तरह दिखते हैं, थ्रेड की तरह दिखते हैं। दैट इज वाई दिस फाइलम इज ऑल्सो कॉल्ड एज निमैट हेलमिंथस। ठीक है, चलिए अब हम इसके हैबिटेट की बात करते हैं कि ये हमें कहां मिलेंगे। नाउ दीज वर्म्स आर एक्वेटिक, मतलब फ्री लिविंग है। सम ऑफ देम आर फ्री लिविंग, दे आर एक्वेटिक। एक्वेटिक में दे आर फाउंड इन फ्रेश वॉटर। ठीक है, दे आर नॉट फाउंड इन मरीन वॉटर, दे आर फाउंड इन फ्रेश वॉटर। देन सम ऑफ देम आर टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब ये जमीन पे भी पाए जाते हैं। अब मैं यहां पर आपको एक नाम बताना चाहता हूं। ये नाम आपके इस, ये एग्जाम्पल इस चैप्टर में नहीं दिया है, लेकिन जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे चैप्टर, उसमें वहां हमें एक कीड़े के बारे में जानकारी पढ़नी है। ओके, तो वो कीड़ा एस्कलमिंथस फाइलम को बिलोंग करता है एंड इट इज अ टेरेस्ट्रियल फॉर्म। ओके, तो इस कीड़े का नाम है मिलोइडी गाइनी इनकॉग्निशिया। ठीक है, जस्ट रिमेंबर द नेम, ये हमें आगे के चैप्टर में आएगा बायोटेक्नोलॉजी में, इसका एप्लीकेशन हमें पढ़ना है। मिलोइडी गाइनी इनकॉग्निशिया, इट्स अ टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ एस्कलमिंथस। आई होप दिस इज क्लियर। एंड मोस्ट ऑफ देम आर पैरासाइटिक। अब पैरासाइटिक का मतलब मैंने आपको बताया, वो कीड़े या वो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में रहते हैं और वहां से अपना न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, राइट? तो हमें तीन एग्जाम्पल्स यहां पर याद रखने। द फर्स्ट वन इज अस्कैरिस, ओके। द सेकेंड वन इज वुकेरेरिया। आपको पता है वुकेरेरिया कौन सा वर्म है? इसी को हम फाइलेरियल वर्म भी बोलते हैं, और ये वो कीड़ा है जिससे इंसानों को एलिफेंटाइसिस नाम की बीमारी होती है। आपने सुना होगा कुछ लोगों का जो पैर है वो बिल्कुल हाथी के पैर की तरह सूज कर बिल्कुल हाथी के पैर जैसा दिखने लग जाता है, उस बीमारी का नाम है एलिफेंटायासिस या फाइलेरियासिस। सो वो बीमारी जिस कीड़े से हमें होती है उसका नाम है वुकेरेरिया। सी द प्रोनंसिएशन, इट इज वुकेरेरिया, वुकेरेरिया। उसका दूसरा नाम है फाइलेरियल वर्म। ठीक है, एंड द थर्ड वन साइलोस्टोमा, एनसाइलोस्टोमा। इसी को हम कॉमन लैंग्वेज में हुक वर्म भी कहते हैं। ठीक है, सो आई रिपीट, अंडर फाइलम एस्कलमिंथस वी हैव ऑल द राउंड वर्म्स। सो सम ऑफ देम आर फ्री लिविंग एक्वेटिक फॉर्म्स फाउंड इन फ्रेश वॉटर, सम ऑफ देम आर टेरेस्ट्रियल, एग्जाम्पल मिलोइडी गाइनी इनकॉग्निशिया, एंड मोस्ट ऑफ देम आर पैरासाइटिक, एग्जाम्पल अस्कैरिस, वुकेरेरिया और द फाइलेरियल वर्म, एंड एनसाइक्लोस्टोमा दैट इज हुक वर्म। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब हम अगले फीचर की बात करते हैं, इनका बॉडी प्लान। नाउ लिसन, हमने निडेरिया और टीनोफोरा और प्लैटी हेलमिंथस में क्या पढ़ा? द बॉडी प्लान इज अ ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ बॉडी प्लान, मतलब उनकी एलिमेंट्री कैनाल हैज ओनली वन ओपनिंग, है ना, इट इज क्लोज फ्रॉम द अदर साइड। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एनिमल किंगडम,
From phylum Ascalminthes, you have the tube within tube type of the alimentary canal. Tube within tube type of the alimentary canal means the alimentary canal is a complete alimentary canal. That means it has two openings. अब देखिए यहां पर mouth अलग हो गया, anus अलग हो गया. अब तक mouth भी वही था, mouth भी वही opening था, anus भी वही opening था. बट यहां पर माउथ अलग है, एनस अलग है. मतलब ये देखिए, अगर ये हमारा वर्म है, राउंड वर्म, ओके, इफ दिस इज द राउंड वर्म, द एलिमेंट्री कैनाल इनसाइड हैज द माउथ एंड द अदर ओपनिंग इज कॉल्ड एज द एनस. सो द माउथ इज सेपरेट एंड द एनस इज सेपरेट. So this type of a body plan is called as a tube within tube type of body plan. Am I clear all of you? Then, agar hum level of organization ki baat kare, okay? Agar hum level of organization ki baat kare, to yahan par we have a organ system level of organization. Dekhe, platyhelminthes mein kya tha? Organ level tha. अब यहां पर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनना शुरू हो गए. सो इन Ascalminthes यू हैव द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट. चलिए अब मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए, आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. हमने क्या कहा, दिस फाइलम इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाइलम Nemathelminthes. इट इंक्लूड्स ऑल द राउंड वर्म्स, दे आर एक्वेटिक, फाउंड इन फ्रेश वॉटर और टेरेस्ट्रियल. रिमेंबर द एग्जाम्पल Meloidi, Gyni, Incognitia. The parasitic forms are Ascaris, Wuchereria, and Cyclostoma. The body plan is a tube within tube type of a body plan. That means they have a complete alimentary canal. Okay? They have a complete digestive system. And the level of organization is an organ system level of organization. Right? Okay? Chaliye, screenshot le lijiye, fir hum aage badhte hain. चलिए, द नेक्स्ट क्राइटेरिया इज सीलोम. नाउ ध्यान से सुनिए, अगर हम सीलोम की बात करें तो इसके पास कैविटी तो आ गई है. अभी तक सारे ए सीलोमेट थे, इनके पास कैविटी तो आ गई है, बट इट इज नॉट अ ट्रू बॉडी कैविटी. अब मुझे आप इंट्रोडक्शन लेक्चर याद करिए, जहां पर ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं, वेरी गुड, सूडोसिलोमेट. क्या कहेंगे? सूडोसिलोमेट. अब मुझे बताइए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ ट्रू बॉडी कैविटी? हमने पढ़ा था क्या, क्या पढ़ा था? चलिए एक काम करते हैं, हम इस Ascaris को, इस वर्म को बीच में से कट करते हैं. ओके, देखिए, मान लीजिए ये Ascaris है, हमने उसको बीच में से कट किया है, राइट. अब यहां पर ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल है, दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ Ascaris. ये बॉडी वॉल है और ये एलिमेंट्री कैनाल है. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ ट्रू सीलोम? द ट्रू सीलोम का डेफिनेशन इज दैट फ्रॉम द आउटर साइड एंड ऑन द बॉडी वॉल साइड इट शुड बी कंप्लीटली लाइंड बाय मेसोडर्म. मेसोडर्म इज अ जर्म लेयर, पढ़ा था हमने. तो यहां पर और इसके आजू बाजू में जर्म लेयर होना चाहिए. अब यहां पर जर्म लेयर्स तो हैं, बट दे आर नॉट कंप्लीटली लाइंड, दे आर जस्ट लाइंग इन द पाउचेस. ऐसे पूरे लगे हुए नहीं है, बस ऐसे पाउचेस के अंदर मेसोडर्मल सेल्स पड़े हुए हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे सीलोम को हम सूडोसीलोम कहते हैं. सो वी से दैट दिस वर्म्स आर सूडोसीलोमेट. I hope this is clear. Absolutely. Then, अगर हम germ layers की बात करें, तो हमने देखा था कि Platyhelminthes से triploblastic start हो गया है, तो यहां पर भी it will be three germ layers. So they are triploblastic. Then, अगर हम symmetry की बात करें, तो just like Platyhelminthes, even Ascalminthes show bilateral symmetry. The body symmetry is
bilateral. I hope this is clear. Then next point. इनकी बॉडी में एक्सक्रीशन करने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ थ्रोइंग आउट द वेस्ट प्रोडक्ट दे हैव समथिंग कॉल्ड एज कैनाल्स और ग्लैंड सेल्स. प्लीज रिमेंबर, एक्सक्रीशन इज डन विद द हेल्प ऑफ कैनाल्स और ग्लैंड सेल्स. अब अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम फुली डेवलप नहीं है पर नर्वस सिस्टम की शुरुआत हो गई है. सो नर्वस सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ नर्व रिंग्स, इज इन द फॉर्म ऑफ नर्व रिंग्स एंड नर्व्स. ठीक है, द नर्वस मतलब आपको प्रॉपर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड देखने नहीं मिलेगा, एकदम शुरुआत है नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट की. सो नर्वस सिस्टम विल बी इन द फॉर्म ऑफ नर्व रिंग्स एंड नर्व्स. आई होप दिस इज क्लियर. चलिए इतना पॉइंट लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे और इंटरेस्टिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं. नाउ सो विच सिमेट्री डू दे शो? बायलैटरल सिमेट्री. व्हाट इज द कंडीशन ऑफ सीलोम? दे आर सूडो सीलोमिक. चलिए अब रिप्रोडक्शन कैसे होता है यह समझने के लिए पहले हमें इन वर्म्स के जेंडर के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए. इन एस्केलमिंथस, अब देखिए हमने प्लैटीहेलमिंथस और इसके पहले के फाइलम में क्या देखा, देवर हर्माफ्रोडाइट्स, है ना. हर्माफ्रोडाइट्स मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द सेम बॉडी. नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम नेचर ने यहां पर सेक्सेस को अलग कर दिया. ओके, सो वी से द सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब अब मेल अलग हो गया, फीमेल अलग हो गया, मेल जेंडर अलग. एक वर्म, कुछ वर्म्स का मेल जेंडर होगा, कुछ वर्म्स का फीमेल जेंडर होगा, और मेल की बॉडी में सिर्फ मेल गैमेट्स बनेंगे, फीमेल की बॉडी में सिर्फ फीमेल गैमेट्स बनेंगे, राइट. इसे हम कहते हैं डायशियस. जब दोनों बॉडीज आर सेपरेट एंड मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट बॉडी, व्हेन द जेंडर्स आर सेपरेट, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डायशियस. आई होप दिस इज क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखिए अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें इसका, अस्कैरिस, ये जो वर्म है अस्कैरिस, इट शोज समथिंग कॉल्ड एज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. इट शोज समथिंग कॉल्ड एज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म? कि इनका जो मेल का फॉर्म है और फीमेल का फॉर्म है, ये दोनों अलग दिखते हैं. अब सुनिए, इंसानों में अगर हम मेल की बात करें तो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग दिखाई देता है और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग दिखाई देता है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये बंदा मेल है और ये बंदी फीमेल है. इसी को कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, मतलब मेल और फीमेल का अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होना या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का अलग दिखना, इसे कहा जाता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. डाई मतलब देयर आर टू फॉर्म्स, वन मेल एंड अदर फीमेल. तो अब कैसे दिखते हैं इनके जो मेल्स होते हैं अस्कैरिस के, दे आर शॉर्टर एंड मोर नैरोअर. ओके, दे आर शॉर्टर एंड नैरोअर, वेर एज द फीमेल्स आर लॉन्गर, द फीमेल्स आर लॉन्गर एंड दे आर मोर ब्रॉडर. दे आर मोर ब्रॉडर. देखिए कैसा होता है, अगर हम इसका डायग्राम देखें. ओके, अगर हम इसका डायग्राम देखें, ये देखिए, सो दिस इज द मेल अस्कैरिस, इट इज शॉर्टर एंड नैरोअर. ऑल्सो द मेल हैज अ कर्व्ड पोस्टीरियर एंड. ये देखिए, जो मेल का पोस्टीरियर एंड होता है वो ऐसे हुक की तरह कर्व्ड होता है. पोस्टीरियर मतलब नीचे वाला एंड. ओके, सो दिस एंड इज कॉल्ड एज द पोस्टीरियर एंड. जो पीछे वाला एंड है वो हुक की तरह कर्व्ड होता है, वेर एज जो फीमेल अस्कैरिस होगी वो थोड़ी ब्रॉड होगी एंड वो थोड़ी स्ट्रेट होगी. ओके, इट विल नॉट हैव अ कर्व्ड पोस्टीरियर एंड. आई होप दिस इज क्लियर. देखिए अभी तक हमने क्या कहा, इन एस्केलमिंथस द सेक्सेस आर सेपरेट, मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायशियस.
अगर हम एस्कैरिस की बात करें तो एस्कैरिस शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. द मेल्स आर शॉर्टर एंड नैरोअर एंड द फीमेल्स आर लॉन्गर एंड ब्रॉडर. आई होप दिस इज क्लियर. चलिए अब हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वी आर कमिंग टू ऑलमोस्ट द एंड ऑफ दिस फाइलम. छोटा सा फाइलम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखिए इन लोगों में रिप्रोडक्शन कैसे होगा, ध्यान से सुनिए. ओके, फीमेल्स के पास, फीमेल के पास ऊपर, यहां पर ऊपर एक ओपनिंग होगी जिसे कहते हैं गोनोपोर. इसे क्या कहते हैं? गोनोपोर. और मेल के पास, मेल का जो पोस्टीरियर एंड है, यहां पर एक ओपनिंग होता है जिसे कहते हैं क्लोयाका. इसे क्या कहते हैं? क्लोयाका. आर यू अंडरस्टैंडिंग नाउ? अब ये क्लोयाका के पास यहां पर ऐसे दो कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं. ओके, देयर आर दिस अ पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स जिन्हें कहा जाता है पिनाइल सीटे. व्हाट आर दे कॉल्ड? पिनाइल सीटे. अब इन दोनों के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? मेल अपने पिनाइल सीटे को इसके फीमेल के गोनोपोर के अंदर इंसर्ट कर देता है. ओके, आई रिपीट, मेल अपने पिनाइल सीटे को गोनोपोर के अंदर इंसर्ट करके अपने मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट के अंदर छोड़ देता है. आई होप दिस इज क्लियर. एंड दैट मीन्स द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट. ओके, डेवलपमेंट जो होगा बच्चे का, दैट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. मतलब कुछ वर्म्स में लार्वे फॉर्म बनता है और कुछ फॉर्म्स में लार्वे फॉर्म नहीं बनता. ओके, बोथ द केसेस आर देयर. सो जब लार्वे फॉर्म बनता है उसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं, और जब डायरेक्टली यंग वंस को पैदा करते हैं उसे डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं. राइट, सो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, बच्चा फीमेल के बॉडी के अंदर डेवलप होगा. बट डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. देयर मे बी अ लार्वे स्टेज और देयर मे नॉट बी अ लार्वे स्टेज. आई होप दिस इज क्लियर. एग्जाम्पल्स हमें याद रखने, अस्कैरिस, वुकेरेरिया एंड वन मोर. ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड रिमेंबर, दिस इज द फर्स्ट फाइलम जहां पर हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने मिल रहा है. राइट, तो इसी के साथ वी कम टू द एंड ऑफ फाइलम एस्कलमेंटस. आई होप आप लोगों को यह फाइलम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. कुछ भी आपको डाउट्स है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा डेफिनेटली आई विल ट्राई टू गिव द आई ट्राई टू आंसर योर डाउट्स. राइट, थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. टिल देन टेक केयर.